राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा बढ़त बढ़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लीजो, ताकि आपानो साथ है वो हमेशा बनियो रहे। आज आपा दशा माता री सातवीं कहानी सुनाला। एक गाँव रे महीने एक बहुत ही गरीब बुढ़िया बामणी रहती। बीरी एक लड़को हो। एक दिन बा आपरे लड़का सु बोली कि बेटा की तो काम कर ले जिनू अपने घर महीने चार पैसा आवे और अपनो घर खर्चो चाले। अब मारा तो हाथ पैर भी कोनी चाले और मारी उम्र भी होगी। जना वो लड़को आपरे गांव वाला का गाय डांडा हा वो चरवनो काम शुरू करियो। एक दिन वो लड़को बा गाय डांडा ने चरा तो बाण पानी पाबा तई नदी रे घाट पर गियो। नदी रे घाट माते काफी सारी औरतां भेली हु और नाय दो दशा माता रो डोरो ले री। बाण कने एक डोरो बत्तो गो। बाण मैनू एक जनी बोली कि पूछो ओ लड़को किन्नो है, कोई चौका घर को है तो ओ डोरो आपा इने दे देवा। जना एक जनी ऊट और भी लड़कान जार पूछो कि थारे घर मायने कुण है। जना लड़को जवाब दियो कि मारे घर मायने बूढ़ी माँ है। फिर बाप पाचो पूछो कि थारी जात काई है। जना बो कियो कि मैं तो हूं तो बामण पर मन कोई काम मिलियो कोनी, जना मैं गाँव का गाय डांडा है जिका चरवनो काम करूं। ओ सुन और बे सारी औरतां लड़का ने कियो कि ओ डोरो है ओ लिजार तू थारे घरे मां ने दे दीजिए और मां ने कीजे कि इरी पूजा कर और व्रत कर ले जियो। मैं थने साते सीधो और पूजा रो सामान भी दे देवा। जना बो लड़को बाणकनु बो डोरो ले लियो दशा माता को। सारी औरतां सीधो गालर दे दियो और पूजा रो सामान दे दियो। लड़को आपरे सारा सामान री गांठड़ी बांध ली और ऊंचर घर आएगो। घर दरवाजा माते आ और आपरी माँ ने हेलो मारे कि माँ हमारी गांठड़ी उतार दे, मैं तो बोझाया मरूं। जना माँ दौड़ आई और बा गांठड़ी नीचे उतार सामान देखियो तो राजी उगी कि भाई आज अतो सारो सामान किया ले रही हो, कठू ले रही हो तू। जना बो लड़को नदी रे किनारा आली सारी बात बताई और साथ ही बुद्धसा माता रो डोरो हो वो भी माँ ने दे दियो। अब बुढ़िया माँ तो खूब आदर सु भी डोरा ने ले और आपरे माथा रे लगायो। बी दिन सुई बा व्रत करनो चालू कर दियो और नौ दिन तक कथा और कहानी कहती। दसवें दिन बा आपरे दशा माता रे डोरारी पूजा री तैयारी करे लगी। बा आपरे घरे बारे जी की थली ही बिने गोबर नीपे लगी। बा आंगन और थली नीप री। बी टेम दशा माता एक बुढ़ी और गरीब औरत रे रूप रे मैने बीरे कन्ने आर बोली, काई करो हो बेन। बुढ़िया उत्तर दियो कि आज मारे घरे दशा माता रो पूजन है जो मैं तुम्हारो आंगनो और थली नीपू। जना बाबूडिया रे बेस रे मैं दशा माता कियो कि मन थोड़ी प्यास लाग रही है, मन पीबा तई पानी दे दे। जना बुढ़िया कहवे कि मैं तो माटी रे बर्तन पानी पीऊ हूं, मारकन कोई लोटा गिलास तो है कोनी, मैं पानी देऊ तो थान देऊ के। मैं एक कटोरी है मारे घर में पण बाई अबार कांठा तो कठे पड़ी है, थे थोड़ी देर रुको मैं बा कटोरी हेर लाऊ और पच थाने पानी देऊला। बुढ़िया माई तो आपका हाथ दौर कटोरी लेने मायने गिवी। जते दशा माता भी बुढ़िया रे थली रे माते एक सोनारो घड़ो रख और अंतर ध्यान उगी। बुढ़िया कटोरी ले और दरवाजा पर आई तो सोनारो घड़ो देकर सोचे लगी कि आ बुढ़िया कठारी बल्ला उठा और कठे रखकर गिपरी, अबे मारे ऊपर चोरी रो इंजाम लगाई और बुढ़ापा रे मैंने मारी इज्जत उछाल दे गयो। ई चिंता रे मैंने बा बुढ़िया बुढ़िया रे रूप में दशा माता ने हेरे लगी। जतेक बिकालो बेटो भी घर आएगो। लड़को पूछे कि किने खोजे है माँ। चना लड़का ने बा माँ केवे कि एक कांटा तो कटू बुढ़िया आई और सोनारो गड़ो आपने थली पर रख और पाछी भाग गी क्यों। चना लड़को कहे कि माँ बाई तो दशा माता ही बेई थने ओ गड़ो दियो है, अब कदी आपने घरे पाछी आवे तो तू अच्छी तरह बाणो स्वागत कर जिए और वो जो भी कहवे बाणी आज्ञा रो पालन कर जिए, बातो अपनी दशा माता ही। आज थाने नदी रे घाट पर नाबा जानो है और नदी रे घाट पर आज जो भी चीजा मिले बाने दशा माता रो दियोड़ो समझ और घरे ले राजा जे। कोई रे आगे भी पूछताछ मत कर जिए कि आ चीज किन्नी है, कठू आई है, रटकून छोड़ी है, तू तो अपनी जो भी मिले चुपचाप घरा ले राजा जे। वह बुढ़िया तो नदी रे घाट पर नाबा गी। नार पाछी निकली बारा ने तो नदी रे किनारा माते दो सोनारा गड़ा भरिया पड़िया। नदी रे एक किनारा पर बहुत ही सुंदर कपड़ा पड़िया। जना बुढ़िया तो आपकी कोई ने पूछियो ना कोई ताचियो, जार बे कपड़ा पेड़ लिया। वह पाछी घर आर देखे तो कठे भी की टूटी फूटी झोंपड़ी
बीरी जगह एक बहुत बड़ो मेल खड़ो हुगो। बुढ़िया रो बेटो बिन आपरे मेल रे मायने लेर गियो। मेल रे मायने जाई और बुढ़िया दशा माता रे डोरारी पूजा करी, फिर पचे हाथ जोड़ और वरदान मांगियो के हे दशा माता, मने तो धन संपत्ता तो तू गणी दे दी, पर मारे एक लड़को है, इरो ब्याह हो जावे, जणई आ धन संपत्ति शोभा देवे। वा थोड़ा दिनार माई नहीं बुढ़िया माई रे तो बेटा रो ब्याह हुगो और बहुत ही सुंदर और सुशील बहु घर में आएगी। वह थोड़ा दिन बाद में बुढ़िया माई दशा माताओं दूसरो वरदान मांगे कि जिया मारा बेटा और बहू है, बेडो मने एक पोतो चाहिए। वह दशा माता बुढ़िया माई ने पोतो भी दे दियो। अब बुढ़िया माई पूरी राजी ही जना एक दिन बेट और आपकी बहू ने समझावे कि आ सब संपत्ति है जी की आपने दशा माता री दियोड़ी है। बाणी कृपाओ तू ई घर माई ने आई है, अगर मैं कदी मर जाऊं और कोई मेली कुचेली बुढ़िया आपने घरे आवे तो बीरो तू आदर पूर्वक स्वागत कर जिए। अगर भी बुढ़िया रे नाक बेतो वे या कोई पसीनो आयोड़ो वे तो आपरे पल्लाऊ पूछ लीजिए, सूग मत करजिए, पच प्रार्थना करजिए कि हे माता ओ सब कुछ आप रो ही दियोड़ो है। जब कदी तने चार लुगाया बेली योड़ी और दशा माता रो डोरो लेती दिखे तो तू भी डोरो ले लीजिए और सरदार हिसाबू मेरी पूजा और व्रत करजिए। जद कदी थारे ऊपर कोई संकट आवे तो तू स्वागनिया ने न्यूत और जिम्मा दीजिए। दशा रानी री कृपा थारी सारी इच्छा है जी की पूरी उज्जवेला। वा थोड़ा दिन पचे बबुडिया माई तो मरगी। चना दशा माता सोचे कि अब चालर देखा कि मेरी बहू है जी की आपरे सासुर वचना रो पालन करियो कौन करियो। चना एक दिन बुढ़ी भिकारन रे बेस रे महीने दशा माता बीरे घरे आई पाछी। बाने देखता ही बहु ऊट दौड़ भागर सामी गिवी, सामी जार दंडवत प्रणाम करिया और आपरो टाबर हो जिको दशा माता रे गोद्र माइन रख दियो। जना दशा माता बोली कि अरे थे दोनों दूर रहो क्यों माँ बेटा, मारे तो मेला कुचेला कपड़ा है, थाने इतना फूटा कपड़ा पेरियोड़ा है, जका खराब हो जाए क्यों। जना बहु आपकी लपक और आपरे पल्लाऊ बांको नाक पोंच लियो और पगारी धू ली जिकी जाड़र साफ कर दी और विनती करी कि हे माता धन्य भाग है कि आज आपरो मेल है जिको माने मिलियो है, आ सब संपत्ति आपरी है और मैं भी आपरा ही हाँ। भौरी एडी भक्ति भावना देख और दशा माता आशीर्वाद दियो कि थारी एडी धर्म बुद्धि है, भगवान थारो हमेशा ही भलो करेला और थारे गर्रे मैंने अंदनरा भंडार भरिया रेवेला। कदे कोई बात री चिंता तन नहीं सतावेला और जो भी इच्छा करेला वो सब तन मिलेला। यहाँ के और दशा माता तो आपरी अंतर ध्यान होगी के हे दशा माता जड़ी कृपा दृष्टि बुढ़िया बामणी मात करी बेड़ी सब भक्ता पर करजो, कानी केता सुनता हुकारा भरता सबरो कल्याण करजो। काल आपा और मिलाला एक नई कहानी रे साथे, तब तक आपरो ध्यान राखजो। धन्यवाद।